गाइस मैं अभी बोधगया में एक जो पार्क है उसके अंदर हूँ, क्योंकि बोधगया का सारे मंदिर बंद हैं, सिर्फ एक मुख्य मंदिर खुला हुआ है जिसको महाबोधि मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर में मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो इसलिए मैं वहाँ का सीन नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ का जो पार्क का नज़ारा है मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसलिए आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए, और दोस्तों यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको इस पार्क का नज़ारा दिखाते हैं चारों तरफ का, ये पार्क का नज़ारा क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस पार्क का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन गाइस आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहाँ बाहरी मतलब विदेशी पर्यटक लोग आते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण से आप यहाँ पर भीड़ नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल एकदम शांतिमय, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, यहाँ सभी चीज़ें मतलब बुद्ध के शरण में समर्पित हो चुके हैं, तो इस कारण से भी आपको एकदम शांति ही शांति नज़र आ रही होगी। ये पूरा पार्क का नज़ारा बहुत ही अच्छा, जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो इस पार्क में आपको चारों तरफ खचाखच देसी विदेशी सही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अभी आप उस प्रकार का नज़ारा नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा दृश्य है। जब भी आप बोधगया आएँ तो इस पार्क में एक बार ज़रूर घूमें, आपको मन की शांति मिलेगी। गाइस इधर देखिए बच्चों को खेलने के लिए, ये देख रहे होंगे सभी चीज़ें बनी हुई हैं, बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों। गाइस बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे, ये पार्क का चारों तरफ ऊंची ऊंची पेड़ें, हरी भरी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरम, मन को शांति देने वाली। जब भी आप बोधगया आएँ तो इस पार्क का नज़ारा आप ज़रूर लें, यहाँ का लुत्फ ज़रूर उठाएं, इस पार्क में ज़रूर आएँ, आपको मन की शांति मिलेगी। और जो कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब अपने आप को बुद्ध के शरण में आप समर्पित कर देंगे तो जो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस पार्क में आने के बाद आपको शांति की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। ये आप नज़ारा देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा। गाइस हमारे साथ में एक हमारे प्रिय दोस्त दीपक सर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर इस पार्क में आके आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग बोधगया का भ्रमण कर रहे हैं और इस पार्क में बहुत ही अद्भुत महसूस हो रहा है हम लोग को, क्योंकि इस समय बहुत ही शांति है और एक्चुअली कोरोना काल के चलते यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है। और हम लोग आज प्रयास किए थे कि आप लोग को इसके माध्यम से पूरे बोधगया का दो तीन मंदिर को कम से कम रिव्यू करें, लेकिन इस समय अभी बंद है, तो फिर आगे जानते हैं सर क्या बताना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू। तो गाइस निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जब भी मंदिर खुलेगा, कोरोना काल ख़त्म होगा, मैं पूरे बोधगया का आपको दर्शन कराऊँगा, आप घर बैठे देख सकते हैं, पूरा बोधगया का भ्रमण कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पार्क में हूँ और इस पार्क का नज़ारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्क खुला हुआ है, लोग यहाँ आ जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर पार्क, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पेड़, मन को शांति देने वाले, मन को हरने वाले। दोस्तों आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये पार्क कैसा लग रहा है और आप बोधगया का कौन सा स्थल को भ्रमण करना पसंद करेंगे। फिलहाल मैं अभी तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि सभी लॉकडाउन के चलते बंद हैं, लेकिन जो खुला है मैं उसको दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको पार्क का नज़ारा और दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस पार्क का आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा। तो चलिए गाइस पूरा पार्क आपको घुमाते हैं और इस पार्क की शांति आपको तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि जो मैं यहां फील कर रहा हूं ये फील आपको भी आनी चाहिए।
और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि आपको ये पार्क देख करके कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि गैदरिंग तो बहुत कम है, इस कारण से भी शांति है। लॉकडाउन ने शांति ही शांति बना दी है, तो आप देख रहे होंगे। तो चलिए पूरा पार्क का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए, और फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि यह ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी ब्लॉग की वीडियोज़ आपको मिलेगी सबसे पहले। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे दिखाते हैं। गाइस, इस पार्क के पीछे आप देख रहे होंगे महाबोधि मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक इस बाउंड्री वॉल के पीछे ही महाबोधि मंदिर है, इस पार्क के पीछे, तो आप देख रहे होंगे। ऊपर का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बाउंड्री वॉल से नीचे का सीन नहीं दिखाई दे रहा है, और जस्ट उसके पीछे बोधि वृक्ष है, जिस कारण से भी नीचे का सीन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर का टॉप पोर्शन जो है आप उसको देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। गाइस, यदि आप बोधगया घूमने आना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि बोधगया में कौन सा ऐसा स्थल है जहां पे आप घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के बगल में वहाँ बोधि मंदिर बना हुआ है, जो बोधगया का मुख्य केंद्र है, और इसी के श्रद्धा से यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं और बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं। दूसरी है थाई मठ, जो थाईलैंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। रॉयल भूटानी मठ है, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है जो 80 फीट है, और वह बहुत दर्शनीय है। बोधि मंदिर के बाद 80 फीट का जो बुद्ध भवन का प्रतिमा है वह सबसे मतलब दर्शनीय है, जिसको लोग यहां अवश्य देखते हैं। उसके बाद जापानी मंदिर है, जिसको भी आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। और उसके बाद आर्कियोलॉजिक म्यूजियम है यहाँ एक, जिसमें आप घूम सकते हैं और यहाँ का सारा चीज़ आप देख सकते हैं, जो ये घूमने लायक है, देखने लायक है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे जगह हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। फाइनली गाइस, इस पार्क के चारों तरफ हम लोग घूम चुके हैं, और आपको भी इस ब्लॉग के माध्यम से ये पार्क का दर्शन कराया, आपको भ्रमण कराया। अब हम लोग इस पार्क से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस पार्क के चारों तरफ घूम लिए हैं। तो चलिए अब लौटते हुए आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। गाइस, उम्मीद है कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बोधगया का पार्क घूम करके, भ्रमण करके। ये बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं,
फाइनली गाइस हम पूरे पार्क को घूम चुके हैं और आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा पार्क दिखाया, आपको घर बैठे दर्शन कराया। हम इस पार्क के गेट पे आए हुए हैं जहाँ पे गुलाब का ये देखिए खेती की गई है। फूल का कुछ गुलाब निकले हुए हैं, खिले हुए हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, जो मन को हरने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। तो चलिए हम ये अंतिम आपको दर्शन कराते हैं, भ्रमण कराते हैं। आप यहाँ से चारों तरफ पार्क को देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, और इसीलिए जो भी बोधगया आते हैं इस पार्क में ज़रूर आते हैं और यहाँ मनों की शांति जो है उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे भी बोधगया आप जानते हैं कि बुद्ध भगवान का स्थान है जहाँ मन की शांति ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है आते के साथ। तो चलिए इसी शांति के साथ आज इस ब्लॉग को अंत करते हैं और यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने सारे संबंधियों में, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।